नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कानून बनाने वाले ही महिलाओं को पीट रहे स्वाति मालेवाल, मारपीट मामले में केजरीवाल पर बरसे अनुराग ठाकुर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल मारपीट मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी ने ईडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी महिला सांसद के सहयोग में नहीं आया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यसभा सांसद के साथ जो मारपीट हुई है वह एक सीएम के घर पर हुई है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। सीएम के सामने एक महिला सांसद के साथ मारपीट की गई है और वह चुप है। ईडी गठबंधन भी चुप है। संदेश खाली पर भी वे चुप थे और ना तो उन्हें संदेश खाली में किसी महिला की चीख सुनाई दी और ना ही करोड़ों के शीश महल में स्वाति मालेवाल की चीख सुनाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कानून बनाने वाले ही महिलाओं को पीट रहे हैं। जिसने महिला पर हमला किया वह सीएम के साथ घूम रहा है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ईडी गठबंधन मजबूर क्यों है। वहीं उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि महिला सांसद को क्यों पीटा गया, ये सीएम की जिम्मेदारी है कि वह सहयोगी को पुलिस के सामने पेश करे।